सूप में दक्ष बनाया जा रहा है। यह शिला भागे से महफूज है। दमिश का रास्ता भी खुल गया है। देखो जरा देखो और सुनो, कबीली का क्यों बनाए हैं काम और कुमार की तरह सोने की तैयारी कर रहे हैं। सुनो सूप में दक्ष बनाया जा रहा है। अब यह शिला जो कुछ जरूरी है वो तुम करो। लैला
किसी वक्त तुमसे जुदा नहीं होगी। हमारा नाम तानोतशनी की बौछार में हरगिज़ नहीं आएगा। बनू आमिर बाइज्जत, हाँ, और हमें बाइज्जत ही रहना चाहिए। लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा कि वे हमारे खानदान के नाम पर दाग लगाएं। पैदा होते ही उसे रेत में दफन कर देना चाहिए। पहली ही चीख आखिरी चीख हो रही जैसा पहले हुआ करता था। न जाने क्या और फौर बक रहे हो। वो मेरी बच्ची है, वो हमारी बच्ची है। लड़का साहबे तलवार होता है, शिकार करता है, जंग में लड़ता है, नामो नमूद का सबब बनता है, लेकिन लड़की सिवाय आंसुओं के और क्या है? तुम ये कैसे कह सकते हो? वो हमारी आंखों का हीरा है। उसकी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे को कैसे बशाश कर देती है। क्या भूल गए जब वो बच्ची थी उसे गोद में उछालते थे? तुम बेचैन हो जाते थे जब वो लड़खड़ा कर गिर पड़ती और रोती थी। तुम्हारी आंखें डबडबा जाती थी जब वो बीमार हो जाती और दुआएं मांगते, खराब करते, गरीबों को खाना खिलाते। अब भी कैसे मुमकिन है इसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे? भूल गए वो हमारी अपनी बच्ची है। वो कम से भी बच्ची नहीं है, वो अखिला फूल हमारा तो है। वो बच्ची भी रहेगी। अब ऐसा ही होना चाहिए जब तक किसी और बाइज्जत खानदान की बाइज्जत खातून न बन जाए। लैला हीरा है, अवामी तंजोताना से, लोगों के ठठोल से, दीवानों के गीतों से उसकी हिफाजत हमारा फर्ज। उसकी हमराज बन जाऊंगी मैं, उसकी हैरान की सहेली बन जाऊंगी, उसे अपने सीने से लगाए रखूंगी जैसे उसने किसी से जन्म लिया। न किसी परिंदे और मछली और न किसी आवारा कुत्ते की रफ्तारी उस तक हो पाएगी। चांद और सितारों की छा हम पर पड़ेगी, हमारी हिफाजत करेगी। और सिर्फ उसकी अपनी परछाई उसके साथ। वैसा ही एक बार इज्जत गमा दी फिर कुछ नहीं बचता, लेकिन नेक नाम ही अमर बना। ऐसा ही होगा। हम तो मिट्टी के बर्तन की तरह हैं जो गर्द व गुबार बन जाता है, हम भी खाक हो जाएंगे, लेकिन खानदानी नाम हमेशा जिंदा रहता है और उसे बेदाग बनाए रखना हमारा फर्ज है।
परछाइयां खा रहे जैसे किसी बदनसीबी का इंतजार। मेरे बाल भी मेरी तरफ ऐसी निगाहों से तपते हैं कि मैं सहम जाती हूँ। क्या ये गाना किसी मेरे बारे में? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? एक फरमा बरदार बच्चे की तरह मैंने बकरियों और ऊंटों को चलाया है, जलाने के लिए लकड़ियां चुनकर लाई हूँ, खाना पकाने में मदद की है, कुरान पढ़ने के लिए मदरसा भी गई हूँ। कई सूरते तो तुम्हारी याद है, उन्हें तो खुश होना चाहिए। खामोश जान एक झलक दिखाई थी, लेकिन अचानक एक बादल ने उसका चेहरा ढक दिया। अंधेरा तारी हो गया। अब जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं, और मेरा छोटी सी बच्ची नहीं रही,
माँ मुझे डर लग रहा है, नहीं मालूम क्यों। फिक्र मत कर, अब तो मेरे साथ रहेगी, डरने की कोई बात नहीं। मेरी बात सुन और गौर से सुन। लेकिन माँ नहीं मालूम क्यों मैं खौफ ज़दा हूँ। तू औरत हो गई है, उसने बलोक को पहुंच गई है, औरत बन गई है। औरत का एक मुकाम होता है, उससे मिलने का एक वक्त होता है, उससे बातें करने का एक वक्त होता है। अब तो कोई छोटी नन्ही सी बच्ची नहीं रही, बल्कि दिलकश खूबसूरत शाइस्ता ज़हीन नौजवान औरत है। अल्लाह ताला की इनायत हम पर है, हमें मोहतात रहना चाहिए कि कहीं गुनाह से सबका हो जाए। माँ मैंने ऐसा क्या किया जो बाय से निदामत हो? ऐसी कोई बात नहीं कि जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मेरी बच्ची, ये नहीं देखा जाता कि हम औरतें क्या करती हैं, लेकिन दूसरे लोग हमें किस तरह से परखते हैं। हमारी किसी मासूम सी हरकत को गलत माने पहना दिया जाता है, मासूमियत को मासियत कर बैठते हैं, और फिर हम शर पसंद अफवाहों के शिकार हो जाते हैं। इसी कस्म की ही बातें, ये वो बातें हैं, इनकी ही कस्म के फितनों से हमें हर वक्त मोहतात रहना है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ माँ, क्या मुझसे कोई गलती सरजद हो गई है? बेटी, कुछ रस्म और रवाज है, कुछ अनकहे उसूल हैं जो रस्म और रवाज बन जाते हैं, जिनके हम ताबतोर बन जाते हैं। हम औरतें यानी हम और तुम जनान खाने के कैदी हैं, मर्दों से दो कदम पीछे ही रहते हैं, उनके ताबा फरमान हैं। हम काम करते हैं, उनकी मर्जी पर चलते हैं। मैंने तुम्हारी तरह से पढ़ना लिखना नहीं सीखा, मुझे कुरान की चंद आयतें ज़ुबानी याद कराई गई थी, उन्हीं की तिलावत करती रहती थी जो मेरी माँ और तुम्हारी नानी ने हिफ्ज कराई थी। अल्लाह की इबादत और खानदान की खिदमत मेरा फरीजा बन गया है, वही लगा करती रहती। हम औरतें मर्दों के सताए आपकी तरह से पीछे पीछे चलते हैं, बोलते तभी है जब बोलते हैं, निगाहें अपने ही तक महफूज रखते हैं, शर्म व हया का मुस्तकल लबादा हर वक्त पहने रहते हैं। आज से इंकतारी फरमा बरदारी जिंदगी का जुज है, यही हमारी जिंदगी का मुहस्सिल है, रोजे जजा इन्हीं चीजों से तो ले जाएंगे, और इंशाल्लाह यही हमारा सिला। अम्मी अम्मी, बाबा तो आपसे बातें करते हैं, आप ना तो किसी के गुलाम हैं और ना ही मुलाजिम। तुम्हारा बाप शरीफ इंसान है, उदार इंसाफ पसंद मिजाज, फिर भी जिस तरह से मैं जानती तुम नहीं जानती, वो शरीफ इंसान है, मेहरबान बावजूद इसके वो ऐसे है। हमारे खानदान कुंडे कबीले का सरगना है मेरी बच्ची, औरतें जिम्मेदारियों और रवायतों से सरफराज नहीं होती। होते हैं अम्मी, अम्मी फिरौनों के अहद में तो एक मल्का हुकूमत करती थी। नहीं, मैं बहुत सी चीजों से वाकिफ हूँ मेरी बच्ची। रसूल से शादी से कबल खदीजा भी खुद मुख्तार खातून थी। हाँ, उनकी जोशियत में आने के बाद एक दूसरे के मुस्तकिल साथी दोस्त हमदर्द व हमराज, जिंदगी भर एक दूसरे के वफादार। उनका मुकद्दर बन गया था और यही दस्तूर हमेशा रहेगा। हम मर्दों से दो कदम पीछे ही चलेंगे, हमारी निगाहें जमीन पर बिछी रहेंगी, ताकि खुदा ना खुश ना हो, खुदा ना खुश ना हो।
अम्मी अम्मी, इतनी बहुत सी चीजें मेरी समझ से बाहर है। मेरी आंखें जो देखती हैं, मेरा दिल जो धड़कता है, मैं जो महसूस करती हूँ, इतनी बहुत सी चीजें हैं अम्मी जो मेरी समझ से बाहर। बहुत कुछ इधर उधर की बातें हो अब कुछ काम रास्ते में चलता हूँ उन पगडंडियों के कि जैसे किसी शिकारी हरण के ताकुम में उम्मीद ही के सहारे चलता हूँ। कभी कभार मुझे चौहे उम्मीद नजर आती है, लेकिन मैं भूल गया हूँ मैं हरण हूँ या शिकारी। मुझे महसूस होता है अनदेखी जंजीरों से जकड़ा हुआ हूँ, कि जैसे कंकड़ पड़े हुए किसी बर्तन में से मेरे दिल से एक ही आवाज आती है। दीवारें रोकथाम नहीं कर सकती, मोहब्बत के गीत हवाओं के सहारे सफर करते हैं। गली रात का सन्नाटा है, मगर मोहब्बत की कड़कड़ सुनाई देती। बच्चा अब कम से बच्चा नहीं रहा, लेकिन वालिदैन की निगाहों में अब भी बच्चा है। बच्चे करीब रहे या दूर, बच्चे ही रहते हमेशा, जिंदगी का यही दस्तूर है। मेरे इज्जत माँ, बुजुर्गवार, सरदार, लोग आपको बुलाते हैं सैयद, दानिश्वर और फराख दिल के अलकाम। आपका दस्तरखान हर कसो न कस के लिए, कोई भी साइज आपके दरवाजे से खाली हाथ नहीं है। मैं तो आपकी औलाद हूँ, मोहब्बत के बायस नाउम्मीदी के आलम में खड़ा हूँ। मुझे शोहरत चाहिए नहीं दौलत, और ना किसी ताकत आजमाई के लिए तलवार।
मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। मेरा दिल सिर्फ नाम के लिए तड़प रहा है। मेरे प्यारे बाप, मेरे बड़े बुजुर्ग, और रिवाज के मुताबिक मेरे हक में इंसाफ कीजिए। मेरी लैला से रिश्ते के लिए बातचीत कीजिए। आपको मेरे लिए हर जतन करना हूँ। इतनी सी इल्तिजा, बस सिर्फ यही मेरी तमन्ना है। मोहब्बत के बातें रोजाना मर मर के जीना सिर्फ इस बंधन का आसरा है। क्या मेरी उम्मीद, मेरी तवक्को गैर मामूली है? खुशबख्ती के यहाँ आप तशरीफ लाए, यकीनन हमें इज्जत बख्शी। हमारे विसात से ज्यादा हम पर इनायत, इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते। वाकईतन सखावत में तो आपने हातिम भाई को भी शर्मिंदा किया। नहीं 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 मेरे अजीज, अगर सच पूछे तो ये मेरी इज्जत अफजाई,
अगर तोहफा खंदा पेशानी से कबूल किया जाए तो ये दोहरी इज्जत अफजाई कि मेरे लिए बाइस से इफ्तिखार है। मैं हूं ही क्या, आपके लबादे का सिर्फ एक धागा ही तो हूं और कुछ भी। ये आपकी इंतजारी है मेरे अजीज, इस गर्म जोश इस्तकबाल से मेरी आंखें नम हो गई। हमारा आपस का ये सिलसिला हजार पीढ़ियों में जा मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिलसिले में ऐसे ही कायम रहे। शुक्रिया शुक्रिया मेरे अजीज, शुक्रिया सच शुक्रिया। दरअसल एक बहुत ही अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी फरमाइए, आपको पूरा हक है। आई मेरे अजीज, आपकी इजाजत से और एक बाप की हैसियत से मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि मैं दो मोतियों को एक हार में पिरोने का ख्वाहिशमंद हूं। मैं आपकी बेटी का हार अपने इकलौते बेटे कैस के लिए मांगने आया। सरदारों के सरदार, आपकी इज्जत अफजाई का ममनून हूं, यकीनन आपने हमें इज्जत बख्शी है। मैं क्या कहूं, जुबान गुंग है, अल्फाज नहीं, मुनासिब अल्फाज नहीं। तो मैं क्या समझूं, आपको ये रिश्ता मंजूर है? अरे लल्लाह कह दीजिए, मैं जाकर शुक्राने की नमाज अदा करूं। नमाज मुझे भी अदा करनी है सैयद। या सैयद, मुझे वादा बर्ज करना है कि आपके हुक्म की बजावरी मेरे लिए मुमकिन है, आपकी ख्वाहिश पूरी करने से कासिर। ये कहते हुए मेरा दिल कांप रहा है, माफ कीजिएगा, लेकिन आप ही बताइए कौन अपनी लड़की देगा किसी ऐसे को जिसका जहन, मेरा मतलब नाजुक मिजाज है। सही कैस जवान है, शायर है, हसास है, जहन वाला है, नाजुक तबाह है। वो नाजुक मिजाज है, हमारा इकलौता बेटा है, लाड प्यार से पाला है, हमारे खानदान में दिलेर जंगजू हुए हैं, अब शायद है, ये बात कोई पाए से नदामत नहीं। सच है जो मिल गया आपने, क्या आपने अपनी जवानी में मोहब्बत भरी नजमें नहीं लिखी? चांद और तारों भरी रात, सूरज का तुलू होना, सूरज का गुरूब होना, क्या आपको हैरत में नहीं डालता था? चमेली गुलाब कुसुम और बादाम की कलियों का चहकना क्या आपको मुतासिर नहीं करता था? रेगिस्तान के सन्नाटे में अनसुनी आवाजें, क्या वो आवाजें आपको फरिश्ता नहीं करती? क्या चांद के दीदार से आप उसके करीब नहीं पहुंच जाते थे? और तेज हवाओं के सहारे मौजूद की पुकार, रेगिस्तान के एक तौंदे से दूसरे तौंदे तक आले उस सुबह बालू के टीलों के दरमियान उनके बदलते भागते, क्या आपको ये सब मुतासर नहीं करते थे? क्या ये शायराना हिस मनाजिर आप में उजागर नहीं करते? जनाब, ये वो जादू है जो सर चढ़कर बोलता है और हर एक को मुतासिर कर देता है। तो ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं सब दुरुस्त है, मगर गल्ला पानी जो हमारा पेशा है वही परेशानी का सबब भी है। हम रेगिस्तान के बद्दू, अल्लाह की इनायत से कायनात के साथ हम मांग गए, आदम और हव्वा से लेकर हर दौर में। मेरे अजीज, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज है, आप जवान हैं अभी हैं, बाजारी चहमोगोइयों पर जुबान ना खोलें तो ही बेहतर है। ये अल्फाज दिल में चुटकियां लेते हैं, माफ कीजिएगा, मैं नहीं चाहता था आपके दिल की आसारी उस्ताद के सरसा धोने से कब लिखी जुबान कट जाए इससे पहले यह आपकी दिलासारी का नहीं। बोलिए मेरे अजीज, बोलिए, बगैर किसी हिचकिचाहट के बोलिए। यह बूढ़ा थक चुका है, लाचार हो चुका है, बेटे के बड़े होने की बड़ी दुआएं मांगी ताकि नस्ल का सिलसिला जारी रहे, सिलसिला जो शुरू हुआ था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से।
कहिए कहिए मेरे पूरा एतमान साथी, कहिए, ख्याल न करे दिल आजारी का, दिल जख्मी। शायर अरे यही तो जवान होने की निशानियां है, नौजवान है। दरअसल ये मेरी ही पता ही है, लाड प्यार में इस कदर छूट नहीं देनी चाहिए। हमारे बेटियां भी हैं, लेकिन लेकिन यकीन मानिए मैंने बेटे के लिए दुआएं मांगी थी और अल्लाह ताला ने उसे नवाजा भी। मेरी उन्हीं दुआओं की कबूलियत मेरा बेटा फैज है, पर मुझे यकीन है कि एक दिन वो अपना मुकाम पा लेगा, वो भी अपने कबीले का एक कामयाब सरदार साबित, इंशाअल्लाह, आमीन। लेकिन लोगों का तो कहना है कि वो मजनू है। नहीं, उस पर आसेब का साया है, ये सच नहीं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका पत्थर फेंकते हैं, मेरे अजीज उसे कपड़ों से पकड़ कर घसीटते हैं और हमारे नाम को बदनाम करते हैं। ये सच नहीं है। ये सब सुनकर ज़हनी को नहीं, किसी ने अफवाह उड़ाई है, ये सच नहीं है। आप मेरी बात का तो कैस के लिए अब कोई आस नहीं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इंतजार करता हूँ, पर आए मेहरबानी आप अपने फैसले पर एक बार फिर सैयद, मैं भी अपने बच्चों का बाप, मुझे भी अपनी बच्ची की फिक्र है। बेहतर यही होगा कि जाकर उसका कहीं इलाज कराएं, उससे मुहरसी की तकलीफ की जाइए, उसका इलाज कराइए ताकि मजनू फिर से तैस बन जाए। मजनू को भुला दिया जाएगा, उसका दीवानापन भुला दिया जाएगा। हाँ, उससे हमारे खानदान के नाम पर दाग नहीं होगा, लेकिन उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय पिस्ता बादाम और सूखी खुबानी के, कुछ और पेश नहीं कर सकता। कैस दीवाना नहीं है, नहीं है वो दीवाना। शायरी जिल्लत नहीं, शायरी ज़हनी अज़ियत नहीं, हम मरब शायराना मिजाज रखते हैं। हाँ, हम मरब शायराना मिजाज रखते हैं, लेकिन मवेशी चराते हैं, लेन देन करते हैं, इबादत करते हैं, और वक्त आने पर शमशेर ज़िनी में पेश पेश होते हैं। यही जिंदगी का रिवाज है, गिरे ग्रवा के तौदे ये टीले जो सिर्फ जगह बदलते रहते हैं लेकिन कायम। ये नखलिस्तान, ये रेगजार हमारे इस दुनिया से गुजर जाने के बाद भी रहेंगे सैयद। नमाज मगरिब का वक्त हो गया, मक्का में हज की तैयारियों का आगाज, अभी तो बहुत काम अंजाम देने। हम हज को जाएंगे, मैं और मेरा बेटा मक्का जाएंगे, वो जगह जहां सफा मरवा के दरमियान रेत से आबे जमजम का चश्मा फूटा था, हम भी वही जाएंगे।
मेरे बच्चे, यही वो बैतुल्ला है। हज के फर्ज को अदा करने हम आए हैं। जिस तरह से कल और उसके बाद तुम्हारे बच्चे और बाद में उनके बच्चे यहाँ आएंगे, ये सिलसिला रोजे हज तक कायम रहेगा। यही हुक्मत इलाही है। ऐ अल्लाह तारा, हम यहाँ हाजिर हुए हैं, तू सिर्फ एक है और तेरा कोई शरीक नहीं। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। हम दौड़ रहे हैं उस तरह जिस तरह हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ी थी, इस कष्ट में तन्हा अपने बच्चे के साथ, तलाश में थी पानी और साए के, हम भी दौड़ रहे हैं। या इलाही, ये तेरा घर है जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैह सलाम ने रखी थी। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। ऐ मेरे मौला, दुआ के लिए तुम्हारे सामने हाथ उठा रहा हूँ। मेरे मौला, मेरे वारिस को जिंदा रहने का हक दे। दुनिया के हुजूम में बेहकीकत हूँ। है अल्लाह, ये तेरा करम है, मेरी सांसें चल रही है, मैं बोलने के काबिल हूँ। मैं पुकारता हूँ तुझे, ऐ मेरे महबूब रहम, ऐ मेरे महबूब, तेरे बेटे पर रहम कर, रहम कर, उसे इस जुनून से आजाद कर। मेरे मौला, ऐ अल्लाह, लैला से मेरे प्यार की आग को बुझने न दे। बहुत रहम करीम है मेरे मौला। ऐ रब्बुल इज्जत, मुझे इतनी तौफीक दे कि लगातार तेरे नाम का वर्द करता रहूं, हौसला दे, तुझे याद करता रहूं। जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं उसे पूरा कर मेरे मौला। अपनी रहमतें हम पर निहाल कर, अपनी बख्शिशें हम पर अर्जा कर, इस दौराना फैजाने में इन दो हकीरों को ना भूल जाना मेरे मौला। ए महबूद, तेरे दूसरे नाम अल अजीजुल अल अजीम अल कवीउ अल मजीदुल अल जलीलुर रफी हैं। तू ही आखिर बाबल है, तू ही रज़ाक है, तू ही रहमानुर रहीम है, और यकीन खाकसार तुझसे इल्तिजा करता है। मेरी चाहत आपसे कम ना हो, ना ही लैला से कम। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, मेरे वारिस सब मेरे ही लोगों में अपने वक्त खो चुका है। अपनी हिदायत फरमाइए, उस पर रहम कीजिए ताकि वो सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता इख्तियार करे और बायस नदामत ना बने मौला। और लोग उसे फक्रिया कहे कि वो सैयद का बेटा है और सैयद होने लायक है। मेरे मौला, मेरे अल्लाह, मेरी मोहब्बत उससे कम ना हो पाए, मेरा प्यार लैला से खत्म ना हो पाए। मेरे अल्लाह, मेरी मोहब्बत उससे डगमगा ना पाए, मेरा प्यार लैला से फीका ना पड़ पाए। मेरे महबूब, मेरे अल्लाह, इन शोरों को गमे, इन करोड़ों वादों के दरमियान क्या तू मुझको सुन रहा है? मेरा अल्लाह, मेरा बेटा मजनू चाहिए, मेरा बेटा कैसे, मेरा बेटा मजनू चाहिए, मेरा बेटा कैसे।
खुशबूदार फूल, किसी तितली के बोझ के मुंतजर, अल्लाह ताला की मुतवादन कुदरत का नमूना। ये फल, ये गरीदार, ये बूटेदार, चरिंदों परिंदों और कीड़े मकोड़ों के साथ अपनी अपनी जगह से वो शिकायत नहीं करते, वो छीना झपटी नहीं करते कि ये तेरा है, ये मेरा है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने फरियाद की। मैं बादलों को मटर मिट्टी करते हुए देखता हूं, ना वो ठहरते हैं ना रुकते हैं, लेकिन जमजम का कुआं हमेशा भरा रहता है। ये अल्लाह ताला का हमारे लिए तोहफा है। तभी सन्नाटे में उस रात का हाल तलाश करता हूं, मगर मैं जानता हूं उसका जवाब यहां नहीं है। ये मंदिर मेरी जबान पर जैसे ही आता है अकला कर रुक रुक कर अदा होता, सारे अल्फाज कब कब आते लड़खड़ाते बेजान से गिर जाते। मैं जीता हूं बिच्छू अपने दम को पोसाए हुए, छिपकली नुमा जानवर चट्टानों से चिपके अपना सर इधर उधर दिया। सांप को रेंगते फुंकारते सुनता हूं जो रेत पर अपनी निशानी छोड़ देते। कुदरत के ये करिश्मात मेरी समझ में नहीं आते। गर्मी की तपती हुई धूप ने फंदे में जकड़ा हुआ हरण, मैं देखता हूं डबडबाते उसकी आंखों में खौफ झलकता है। उसे कैसे बताऊं, मैं तो उसके पास अमन का पैगाम लेकर आया हूं। ऐ भूले हुए हरण, क्या नूह अलैहि सलाम ने आज के लिए तेरी जान बचाई? मुझे शिकारी ना समझ, मैं भी तेरी तरह एक फंदे शिकंजे में फंसा हूं। ये वजह की पानी के वास्ते तो रहा हो, मेरा वादा है तू अपनी जिंदगी हाथ खौफ कदा है, मेरे मासूम से साथी मेरे इन हाथों को खून कातों से मिला है। मेरे हाथ में कोई कसाई की छुरी नहीं है, जा मुझे कोई सिला नहीं चाहिए, बस तेरी आजादी है। जा मोहब्बत का ये परवान लेकर जा, और मेरा प्यार मेरी लहलहा। काश मैं तेज रफ्तार जंगी घोड़ा होता, मैं खुद उस जन्नत की सवारी करता। कितनी आजिजी से इल्तिजा करती, और फिर तहों दर तहों से लिखती अपने प्यार का मेरी महबूबा तक पहुंचने का रास्ता बना, या मेरी महबूबा को मेरे पास ला। मेरे अल्लाह, मैंने डूबते हुए सूरज को देखा, पहाड़ों आसमानों पर बदलते रंग देखे, कितने सितारे जिनको देखकर कारवां सफर करते हैं। लेकिन मैं इतनी सी जगह में महदूद, तेरी तखलीकात में तो तेरी अस्मत झलकती है, बेजबान पत्थर भी तेरे नाम का विस्तार करते हैं। मेरे अल्लाह, तू तो वो दायरा है, ऐसा कामिल दायरा जिसका ना कोई आगाज है ना ही कोई इख्तिताम। तन-तन्हा तुझसे अलहदा खड़ा हूं, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तेरे वजूद में मिल जाना चाहता हूं। मेरे अल्लाह, मेरा हाथ थाम और तेरी रहनुमाई कर, रहनुमाई कर। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। Thank you.
सच कहना नहीं, उसके उसके तन मन से ही नफरत आ गई। जिस तरह वो यहाँ होता तो मेरी बाहें उसे अपने में समेट ये बात सरगोशी करते हुए कहना और मेरे लव उसके कानों में सरगोशी करते उसे कहना हमारी रूह एक ही है, दोनों दिलों की हालत एक ही है, मेरे दिल की धड़कन में बस तुम्हारे ही नाम की धूम मचती रहती है। सुन उसे जता देना ऐसे प्रेम की नदी ना मैं दमिश्क की गली में बैठी उस खटेरे की तरह जो पीतल के बर्तन में नक्श या फिर पैतरा की संतराश की तरह जो दीवारों पर संतराशी करती या फिर यंग हरन जो सोने की अंगूठियों में हीरे जवाहिरात करती जो मतवाते तुम्हारा नाम अपने दिल का ऐ सर्वोशियां करने वाली हवा उसे कहना नाम जो मेरे दिल पे फूंदा है और मैं उसकी देखभाल करती हूँ, नाम जिसे लेते ही खौफ ज्यादा हो जाती है, कायस नहीं हूँ जो मैं गुबार लगाए ना हो जाए वो जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं, जिस पर पथराव करते हैं, जिसे संसार करते हैं, उससे कहना मैं भी इसी तरह से जख्मी होती हूँ, मुझे भी चोट पहुंचती है, तकलीफ में तड़पती हूँ, उसे कह मैं भी उन्हीं हवाओं में सांस लेती हूँ जिन्हें वो सांस लेता है, जिस छाव की वो तलाश करता है, उस छाव से आते जाते मैं घुसती हूँ, हाँ मैं भी उसे यहाँ वहाँ इधर उधर ढूंढती हूँ, उसे कहना मैं मजबूर और अनदेखी जंजीरों में जिनसे रुस्तम की तलवार भी नहीं आजाद करा सकती, पेड़ को फल देने में वक्त दरकार होता है, शायद को भी वक्त दरकार
सफर करो, सेहरा अभी खाली है, कारवा आपस में एक दूसरे को जोड़ते, इंतजार करो, अनकरीब ही शायद जमा होने वाले हैं, वहां तुम्हारी ताजपोशी होगी और तुम्हें बात चल सकती है। ना मुझे ताजपोशी की ख्वाहिश है, आई श्योर। और जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं, पहाड़ियां, जंगल और सरसब्ज खेत के मुनाजिर मैं देख चुका हूं, सूरज की तेज धूप और हवा के बर्फबारी की ठंडक जिसकी मुझे पहले खबर लगी। मैंने बिफरे दरियाओं को धारते चिघाड़ते सुना है, या मुंदी मुंदी चाल से उनका समंदर में मिल जाना देखा, और रेगिस्तान के तरह फैले बेकिनार समंदर को भी देखा। मेरा दिल अब मैं आपका किया हुआ वादा नहीं भूल सकता। तुम वाकई अजीब इंसान हो, मैं कोशिश राय हाँ मिली दर हकीकत ख्याले लैला नहीं कि मुझे जिंदा रखा। कल अली उस्वा हमें यहां से रवाना होना है, अब रात के आगोश में आराम करते हैं, कल हमें रवाना होना है। यही वो जिद्दी बुट्ठा है, खड़े हो जाओ ताकि देख सकूं सुहाना बदोश। बोलो क्या कहते हो, मेरे तोहफे को वापस करके तुमने मेरी तौहीन की है, इसका मतलब यह हुआ कि तुमने मेरी तजवीज को ठुकरा दिया। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? आलूद तलवार तुम्हारे हाथ में है, खत्म कर दो जिसका आगाज तुमने किया, कर दो मेरे सर को तन से जुदा। बोल दो इसे, एक मर्द की तरह खड़ा रहने दो। इसका तो एतराफ करना ही पड़ेगा कि तुम लड़ भी सकते हो, लेकिन इसकी नौबत ही क्यों आई अगर तुम उड़ेल पन्ना सकते। तुम भले से अपनी जगह शहजादे हो सकते हो, लेकिन मैं तो अपने बच्चों का बाप हूं ना, मैं राजी नहीं हो सकता कि मेरी लड़की की शादी एक पागल शायर से हो जाए। इसने सारे जहां में हमारे खानदान के नाम को बदनाम कर दिया। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी लड़की के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा, उससे कबल के वो किसी पागल शायर की गिरफ्त में आ जाए। जाने दो इसे, अभी तो मुर्दों को भी दफनाना है, जाओ। मैं ये भूल गया था कि मोहब्बत तलवार के जोर पर नहीं जीतता था, मैं भी शायर की तरह पागल हो गया, मुझे अब यहां से चले जाना चाहिए था, मुझे आशिकों की तिमारदारी नहीं करनी चाहिए थी। ये काम मुझे सेब नहीं देता, मैं इस जोखम से गया हूं। सुकून शुमार मुझे वापस बुला रहा है, मुझे जाना होगा, हाँ मुझे जाना होगा। फातेह और मफ्तू अलायदा, अपना अपना रास्ता नापा, अपनी अपनी राह ली। नौकरी तक बर्दार होता है और कैस वापस अपने वीराने की तरफ चला जाता है। फतेह किसकी हुई, शिकस्त किसकी, और मुर्दे दफन होने के इंतजार में खड़े हुए। बाप और शहजादा खाली हाथ अपने अपने रास्ते लौट गए। किस्मत अपना रूप बदलती है, कैस को अलग छोड़ देती है, वापस अपने वीराने में अपने चरित परिंद साथियों के साथ। तन्हा है लेकिन बिल्कुल अकेला भी नहीं,
दर्द ही में उसकी खुशी पनप रही है। एक नाम ही उसका साथी है, उसी नाम को पुकारता रहता है जो उसके लिए जरो जवाहर है। पत्थर कंकर और सहरा की गर्दो धूल में ही उसका मस्कन है। लो देखो कौन इधर आ रहा है, इतने साले वापस आता है, हार पाप और श्राप, स्कूल खराबे से कोई वास्ता ही नहीं। अब देखो तोहफों से लदा फदा शीरी तरीन कलाम के साथ आया है। हाँ, यहाँ जंग हुई थी, जमीन पर स्याह खून के धब्बे हैं। मैं ना तो जंगजू हूं और ना ही उस दिल के ढाल के पीछे छुपू। कटे हुए सरों और हाथों के मुनाजिर को देखने के सिवा जिंदगी में और बहुत दिलचस्पी के सामान हैं। इस किस्म के हंगामे मेरे लिए नहीं, छोटे लोग लड़ते, शान और शौकत धुंधला जाती है। जब धूल बैठ जाती है गली की बिल्लियां बेहतर हरवा इस्तेमाल करती है, पर वक्त मोर्चा छोड़ देती है, वापस लौट आती है। नौफिल ने अपना आखिरी लाभ खेल डाला, पागल शायर के खातिर मशात की। कैसी मजेखा खेल बात, ये अलमिया भी है और काबिले हमदर्दी भी। पर मैंने भी तो एक साल से ज्यादा इंतजार किया है। एक साल से ज्यादा इंतजार, लगता है कि नेक घड़ी आन पहुंची है अपना रिश्ता पेश करने की। खूबसूरत खातून वो मेरी दुल्हन बनेगी, इस बात का मुझे यकीन कामिल है। बस मुझे उस किस्सा को जोड़ी को तलाश करना है जो कहानियां कहते फिरते हैं, उस सोहबत में पुर मजाक ठठोर करने वाली जिंदा दिल दो शख्सियतें हैं, अपने सलीम रखते हैं और अपने अंदाज में चाबुक दस्त। मेरी इस ख्वाहिश को शर्मिंदा एक ताबीर करें। अरे वो आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, वो ही तो ऐसे चले आ रहे हैं। किस्मत साथ दे रही है। पिंजरे में बंद
था। मुर्दों को गुस्ल दिया जा चुका है, नमाज पढ़ी जा चुकी है और अब उन्हें दफन भी कर दिया गया है। मैंने बेवाओं को रोते हुए सुना, माओ की आहों को पास सुनी, ये बीबियां, ये बच्चे, मेरी तरफ ऐसी निगाहों से तक रहे हैं। मैं लैला अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुई, ना मैंने अपने आप अपनी तकदीर लिखी, ना इनकी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं लैला हूँ। क्या था? क्या करूं कि उनकी आंखों में इत्मीनान फिर झलकने लगे? अल्लाह, मैं पिंजरे में कैद परिंदे की मानिंद हूँ, जाऊं तो जाऊं कहां? नमाज जनाजा पढ़ा दी गई और मैयतें दफना दी गई, लेकिन उनकी कमी हमारे बीच में बरकरार रहेगी। इज्जत और हैरत की कोई वक्त कोई कीमत होगी और जिंदा लोग उसका पास रखते। हमारे ये रस्म रवाज, ये चाल चलन जो आज है, पहले भी ऐसे ही थे और आइंदा भी ऐसे ही रहेंगे। यही अल्लाह ताला की मर्जी। हम हैं और खुदा खुदा है। मैंने तकलीफ ज़दा चेहरे देखे हैं, मैंने बीवियों और बेवाओं को रोते पीटते देखा है, मैंने माओं को बच्चों की देखभाल करते देखा है और उन्हें वहां बच्चों को तलाश करते देखा है। मर्दों का यही तरीका है, मर्द कैसे बेचारी औरतों को खामोश बर्दाश्त करते रहना। मुझे याद है कि लैला बचपने ही में परेशान रोती थी, एक तरंग की लहर आरसी तौर से दौड़ जाती थी जैसे कोई उल्मिया गाना गाया। नहीं जानती ये खुशी के जज्बात थे यार दीवानगी के, आखिर मर्दों के बारे में जानती थी क्या है। हम लड़कों की पैदाइश का जश्न मनाते हैं, खतने की रस्म जब वो पहली बार पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, हम आमीन की रस्म करते हैं। इन मराहल के बाद उनकी शादियां रचाई जाती हैं, खानदानी नाम का इल्म बरदार, खानदान चलने का अगला सिलसिला, नई नस्ल का आगाज होता है। लेकिन लड़की, उसका क्या? उसकी हिफाजत की जाती है, देखभाल और तरबियत की जाती है, संवारा जाता है। किस लिए? क्या सिर्फ इसलिए कि एक दिन वो किसी और के खेमे की जिनत बने? है मेरे अल्लाह, हम औरतों के तौर तरीके इतने कठिन क्यों हैं? है मेरे अल्लाह, हमें इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है? अल्लाह ने इंसान की तखलीक की और उसे जन्नत में रहने को घर दिया, वहां से जो धकेला गया तो जमीन पर आ गया। सिर्फ तकलीफ ही से खुशी का एहसास होता। लैला के लिए क्या सोचा, जबकि तूफानी लहरें धीमी पड़े हैं, वो और दुवारी नहीं रह सकती। इब्ने सालिम शरीफ इंसान है, मुहज़्ज़ब खानदान से है, उसके खानदान का अपना नाम है जिसको वक्त से लिया जा सकता है। अब हमें तैयारी करनी चाहिए लैला की शादी। रमजान शरीफ के महीने के बाद हमें इस मातमी लिबास को उतार देना होगा। हमें शादी के लिए तैयारी करना है, उस फर्ज से सुगुप्तोश होना है। लैला की शादी इब्न सालिम से होगी, वरना मेरी तलवार ही उसका फैसला करेगी। बस इतना ही मैं कर सकता। अगर वो लड़का होती तो ये सब हंगामा, ये सब अलमिया ना हुआ होता। कौन जानता है बच्चा जो माँ की गोद में मर रहा है, उसके सीने से जुदा होने के बाद उस पर क्या बिपदा पड़ेगी?
ऐ मेरे अल्लाह, काश मैं लैला के मासूम ज़हन में पल रही मोहब्बत को समझ पाती। ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है हम लाचारों बेबस है, तू ही उसका मुहाफिज तन है, इतने सालिम शरीफ इंसान है। ये मिला बाबरकत हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं तुमसे शादी करूं अपनी आजादी की खातिर। इब्ने सालिम, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरा जिस्म तुम्हारे लिए नहीं। लोग उसको मजनू के नाम से पुकारते हैं। इब्ने सालिम, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, पर तुम मुझे छू नहीं पाओगे। मैं उसकी ही अमानत रहूंगी जिसको लोग पुकारते हैं मजनू। अल्लाह ताला मेरा गवाह, मैं अपने अल्फाज का पास रखूंगी। अमावस की रात की तरह डरावनी है। मेरी आंखें भुला गई, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरी माँ मेरा चेहरा टटोल रही है, जो किसी ऐसे नकाब से ढका हुआ है जिसके नीचे से चेहरे का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा। कितनी खुश नसीब है मेरी माँ, किसी मर्ज को नहीं जानती सिवाय अपने बाप के और मेरे, अपने चचा के और मेरे, अपने भाई के, और उन्हीं के दरमियान घूमती रही। कितनी खुश नसीब है मेरी माँ कि मेरे जैसी बेकरारी उसके दिल में नहीं। मुझे अपने दिल की बेकरारी को अपने दिल में ही रखना होगा, उसके नाम को सिर्फ सरगोशी में आहिस्तगी से खुद ही लिया कर, और उसके ख्यालों के बयाबानों में अकेली आवारा घर फिरूंगी, और उसकी याद के बेकिनार सहरा में खो जाऊंगी। ऐ मेरे प्यारे शहजादे, क्या पहाड़ियों की नुकीली चट्टानें तुम्हारे सर का तकिया है? क्या सरदार सब पत्थर जिन पर हाथ का तकिया बनाते हो संदिल बेरहम है? यही मुकद्दर है। पहाड़ी कौवा खेमे के पास कैसे मंडलाता रहता है, अपना मनहूस साया डालता है। ये काला भुजम कौवा ऐसा क्या जानता है जो मैं नहीं जानती? कोई बचपन मासी का ओ। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक इसलिए की कि गमों से सबक सीखे और अल्लाह के वजूद को पहचाने। तकलीफें दानिशमंदी का रास्ता दिखाती हैं, और दानिशमंदी ही ने तो अल्लाह से मोहब्बत बेदार। हम उम्मीदों के सहारे ही जीते हैं, हम बच्चों को जवान होते हुए देखते हैं और मुंतजर रहते हैं इस बात से बेखबर कि कल का दिन हमारे लिए क्या लाएगा। शादमानी या इस महीने मैंने पूरे रोजे रखे हैं, सूरज के तुलू होने से सूरज के गुरू होने तक।
तवील ताक रातों में बैठकर दीवार भंग रही हूँ। बस बस दो तीन रातें और रह गई हैं। चांद रात, रमजान के अख्तिताम का ऐलान और खुशियों का एहसास। जश्न मनाए जाएंगे रंग बिरंगे भड़की में तिरुपुर जश्न, पर मुझे खुश नहीं कर पाएंगे, ना ही मेरे जज्बात को गुदगुदा पाएंगे। हालांकि मैं ब्याहता होने जा रही हूँ, सबके साथ होकर फिर भी मैं तन्हा हूँ। इंशाल्लाह मुझे अपने जर्द को ऐसे ही ढालना है जिसमें पीने के लिए अपनी शराब गम भरूं। तो कल होने वाली बात कल पर चल देगी। लैला की शादी इब्ने सालिम से ही होगी और कल होने वाली बात को कल पर छोड़। लैला की शादी ही इब्ने सालिम से ही होगी, कल की बात को कल पर ही छोड़ दो। मेरे
मेरे साथ रहने दे, मेरे फैज को मेरे साथ रहने दे। ऐ मेरे अल्लाह मेरी मोहब्बत खैर से ना कभी टिकी पड़े ना कभी हाथ को धूपों के छाप तो उसको मेरे साथ रहने दे ताकि वो बुलंद आवाज फिरते हैं मनगढ़ंत दास्तानें और कहानियां छोटे और बड़े जानवरों के बारे में। असल मकसद यह है कि उन कहानियों से कोई नुक्ता उभरे या फिर इशारा किसी सानहा की तरफ रहनुमाई हो, हिदायत हो। हम खुद कहानियों से सबक और तजुर्बा सीख रहे हैं, पर जिसका दिल जख्मी हो चुका हो वो कैसे कौवे और मकड़ियों की मौजूदगी से सुकून पजीर हो सकता है? मुझे नहीं मालूम के भरोसा हुआ एतबार हो या साथ, दगा हो फरेब हो या फिर बेबकार, उम्मीद हो आस हो या फिर सब्रो इस्तेकार, जज्बात किस रूप में किरदार अदा करते हैं। नजर आ रहे हैं दो जिंदगियों के लिए, मजीद दो माँ बाप बेटा बेटी और बेटे के जिंदगी। क्या कहते, क्या दुआ मांगते? शायद यही कि अच्छा हुआ लैला बेहाता हो गई, खानगी माहौल और दरबारी रख रखाव उसे बावकार खातून बना देगी और वक्त आने पर मां, और कल को यह किस्सा माजी हो जाएगा, जो तकदीर में न था वो नहीं। खुदा हमर सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत हमर सिर्फ खुदा, बस कुछ ही ऐसे हैं जो तलाशे हक करते हैं, मसाले महबूब की तमन्ना करते हैं और दीदारे जमाने इलाही से फैजियाब। और वो जो चिड़चिड़ करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और फोर बकते रहते हैं, गीबत करते फिरते हैं, कयासी घोड़े दौड़ाते रहते हैं, वो दर दर की ठोकरे खाकर बदनामी का शिकार हो जाते हैं, या फिर पड़े रहते हैं उन नूतरन की तरह टोपियां या फिर पगड़ियों की तरह जो हवाओं में इधर उधर उड़ते हैं। ये पत्थर, ये दरख्त, ये जमीन, ये आसमान, आसमान के सितारे जिन्हें मैं छू नहीं सकता, क्या वो मुझे छू सकते हैं? जिंदगी का सफर कहां से शुरू होता है और कहां खत्म? क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं या किसी जिन किसी आसेब या कोई बुर्रा किसी हवाई घोड़े पर उड़ान भर रहा हूं? ये जिंदगी का सफर तेजरों पहाड़ी नदी की तरह हर एक के लिए शुरू होता है, चाहे वो शहजादा हो या बस रास्ते मुख्तलिफ होते हैं। अरे मेरे अल्लाह, क्यों आखिर क्यों? बता, मकसद हयात क्या है, मनसूबा हयात क्या है, बता। तुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता तोड़ता है, बर्तन बनता है टूटता है, भरा जाता है खाली किया जाता है, भरता है खाली होता है, बार बार यही होता है जब तक कामयाब ना। हम तो बस किस्तागों, अपनी खुराक के लिए शाम से कुछ रसद, थोड़े से जैतून, थोड़े से फल और थोड़ा सा दूध इकट्ठा करते हैं और फिर निकल जाते हैं सहरा नवर्दी के लिए। और से सुनो, कोई आता है? बच्चे तू,
कौन हो? मैं मजलिस बुजुर्ग, हमें खिदमत का मौका दे, इन बाजुओं को थामे और इधर आराम से बैठे। लगता है आप थके हुए हैं, आप प्यासे भी, थोड़ा इधर इधर सुस्ता। खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें इसका अज़र जरूर देगा। गुरु मेरी टांगे थक चुकी है, लेकिन मैं चैन से नहीं बैठ सकता, आराम नहीं कर सकता। मुझे तलाश है अपनी बेटी की, इकलौते बेटे की, इन बूढ़ी थकी आंखों को आरजू है उसे देखने की। मैंने सुना है कि वो यहीं कहीं चरिंदों परिंदों के दरमियान घूमता फिरता है। तो तुमने उसे कहीं देखा है? कैस को? कैस, मेरा बेटा कैस, मेरे बेटे कैस को कहीं देखा है तुमने? है? हाँ, हमने अपने सफर के दौरान उसको यहीं कहीं देखा है। वो अल्लाह के मखलूक रहता है और अपने अशआर पढ़ते रहता है। वो शायर है जी, शायर है वो। इसी बात का तो अफसोस है, वो खूबसूरत अल्फाज अपनी शायरी में पिरोता है। अब जबकि मेरी जिंदगी का सूरज अनकरीब गुरूब होने वाला है, मैं इस तन्हाई इस खालीपन से परेशान हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा नवाजा था और वो भी वीरानों में शायरी करता फिरता है, बेमकसद इधर उधर घूमता फिरता है। जनाब, हम आपकी मदद करेंगे। मदद करोगे? तुम कह रहे थे तुम्हारी उससे मुलाकात हुई, मुझे बताओ कहाँ मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, उसका हाल लिया कैसा, कैसा लगता है वो? मैं तो उसका चेहरा भी भूलता जा रहा हूँ। जनाब, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, वो एक अच्छा शायर है और अच्छा शायर है। जरा हाथ देना भाई। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो हैरानों परेशान इधर उधर घूमता फिरता है, पर जिंदगी में जवानी के खून का उबाल एक लाजमी आजा है। अब उसकी लाव वाली बहकी हुई जिंदगी को सीधे रास्ते पर लाने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी शरीक हयात चाहिए, एक अच्छा कुनबा चाहिए, एक अच्छा कैस। तुम कह रहे थे ना तुमने उसे कहीं देखा है? मुझे उसके पास ले चलो, मैं तुमसे इंतजार करता हूँ, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मुझे उसके पास ले चलो मुझे उसके पास। अरे ले चलो भाई, सरदार को भी कभी रहनुमाई की जरूरत पड़ जाती है। आई आप शुक्रिया, ये हमारे नसीबी होगी, हम बनो अमीर सरदार भी किसी काम है। शुक्रिया मेरे दोस्तों, खुदा तुम्हें जरूर इसका अज़र देगा, खुदा तुम्हें जरूर अज़र देगा। मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे दिन पूरे होते नजर आ रहे हैं, मेरे नाम को, मेरी तलवार को अपनाओ। उसने इंतजार की,
कैस, ए मेरे बेटे, ख्वाहिश है कि मौत के वक्त चेहरे पर इत्मीनान हो। तन्हा आया था, तन्हा रहा और तन्हा ही लौट गया। उन्होंने सैयद को रेत में दफन कर दिया। रंजू आलम के आलम में बेटा बाप से जुदा हो चुका था। ऐसा ही तरीका कार है इंसान का। उसको यहाँ तक खबर नहीं कि लैला की शादी हो गई। अब कौन उसे बताएगा? कौन उन दसी दसी निगाहों की ताब ला सकेगा? कौन उन अल्फाज के अंदाज कर सकेगा? बाजार में कैसा उस पर कहे कहे लगते थे। एक भिखारी ने तो खैर वो जंजीर से घसीटा भी था। उस अलग रसीदा शख्सियत का मजाक उड़ाया करते थे। है कोई माई का लाल जो उसे बता सकता कि लैला की शादी हो गई? कि लैला की शादी हो गई और वो भी किससे? खामोश खामोश रहो, सिर्फ सुनो और देखते रहो। कैस फिर गायब हो गया, लेकिन उसके कुछ दोस्त हैं जो उसकी वजह से परेशान है। जैद जैद फिर से कैस की तलाश में निकल पड़ा है। जैद अपनी पानी की मश्क भर कर अपने सफर की तैयारी करके अपने ऊंट पर सवार होकर रवाना होता है। लेकिन क्यों? सिर्फ भटकते हुए कैस की तलाश में। जैद अपने आंसुओं को रोक न सका। कैस मिला, हवाओं से बातें कर, पहाड़ों से बातें कर, उन गूंगे जानवरों से जो सुन सकते हैं लैला के बारे में अपने मोहब्बत भरे अशआर सुनाता। जैद ने उसका हाथ पकड़ा, उसे शादी के जश्न के बारे में बताया और शहजादे के बारे में जिससे लैला की शादी हुई। कैस उन अल्फाज को सुन ना पाया। कैस हक्का बक्का, हालत ऐसी कि जैसे उसने ना ही कोई बात सुनी हो और ना ही समझी हो। चेहरे पर बच्चों की सादगी, ऐसी मासूमियत को देखकर जो दोबारा कुचल दी गई हो, ऐसा लगता था जैसे सब्र का वार टूट गया है। उसका गम इतना गहरा था, उसकी तकलीफ बर्दाश्त से बाहर थी। कैस को अपने हाथों में थामे हुए जैद के आंसू रवा थे। धीरे धीरे अल्फाज ने शक्ल ली, दिल में उतरे, मायना ने पैगाम देना शुरू किया। लैला की शादी हो गई। जैद ने कांपते हाथों से उसे थामा। आंखों में आंसू नहीं रहे बहाने के लिए, आहें भरने के लिए नगमे ही नहीं रहे। उसके बाद फिर जैद 3 दिन और 3 रात का सफर करके जाकर लैला से कहता है, कैस हमेशा लैला से ही मोहब्बत करता रहेगा, उसके लिए कोई है ही नहीं सिवाय लैला के, उसकी मोहब्बत सिर्फ लैला के लिए है। लैला के चेहरे पर शर्म की लाली है, आंखों में आंसू टिमटिमा रहे। लैला कह भी क्या सकती है, लैला कर भी क्या सकती है? लैला गरिये करती है, आंसू बहाती है। मेरी मोहब्बत सच्ची है, रस्म रवाज की बंदिशों से मजबूर हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है, बस इतना उसे बता दो। जैद इस पैगाम के साथ सवार होकर रवाना होता है। जैद सवार तो होता है अकेला, लेकिन बोझल दिल के साथ। अब ये कैसे मुमकिन कि एक ब्याह का फिर भी सच्ची मोहब्बत की दावेदार? मेरी मोहब्बत झुकने वाली नहीं है कि सरकंडों के मानिंद हवा के झोंकों से डगमगा जाए। ये कैस के अल्फाज, उसका कहना है जिस तरह दिन और रात अटल है उसी तरह मेरी मोहब्बत भी अटल। खुदा ही तो मोहब्बत का दरिया है और मैं उसी में डूबा हुआ हूँ। उसका कहना है मैं हमेशा मोहब्बत करता रहूँगा क्योंकि मेरी कब्र खोदी जाएगी, उसमें मेरी हड्डियों का ढांचा बिखरा हुआ पड़ा होगा, उसमें तड़पता हुआ सिमटा हुआ मेरा दिल कहता हुआ मिलेगा। लैला मैं इंतजार करता रहूंगा, रोजे हश्र तक मेरी मोहब्बत साबित कदम रहेगी। उसका प्यार तो उस लैला से है जिसको वो जानता है। जिंदगी के रास्तों में नशीबो फराज आते रहते हैं, हमारी बातें कुछ याद रहती है, कुछ को याद करना पड़ता है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि मोहब्बत एक ही दफा होती है। शायरों को हमने इलाही करने दो, मुगलिया को गाने दो, सारिंदे जो तारों को छेड़ते हैं वो मखलेते इलाही से बेखबर हैं, क्योंकि हम लोगों का खत्म होना लाजमी है। शहाना ठाट बाट में लैला अपना दिन गुजारती है, चेहरे पर तो मुस्कुराहट लेकिन अंदर ही अंदर रंज गम में घुली जा रही है। इतने सारे अपने शाही दरबार में इंतजार की घड़ियां गिन रहा है कि शायर अफसो मोइनोशी के दौरान अपना वक्त गुजारने के लिए अपने को ही मजबूर रखता है। लोगों का कहना है कि इतने साले मर गया पीसीआर खोने की वजह से। यही कहना है और यही कहना है नामक दानिशमंदों का, सबका यही कहना है कि उसके खाने में कुछ मिलावट किया शराब में। कौन जाने कौन बताएगा, बादशाह मर गया खाना खाने के बाद। लोगों का कहना है कि उसे लड़कों की सोबत पसंद है। लैला तो बस उसके दरबार की सजावट थी, एक नुमाइशी जौहर जिसका अफसुरदा मिजाज उसके बागियाना हालात की तर्जुमाई कर रहे थे। अफसोस के विजय सालिम गुजर गया। अरे कहा जाता है उसे लड़कों की सोबत पसंद थी, ये लोगों का कहना है। शायर तो अपने ख्यालों की दुनिया में रहता है,
है इस्माइल, तुम तो अल्फाज से अक्कासी करते हो, अल्फाज जिनके मायने हमसे पोशीदा, हमसे छुपे हुए हैं। क्या लैला ने आंसू बहाकर अफसोस जाहिर किया था जैसे बीवियां करती हैं, या फिर उसने खुशी के आंसू बहाए कि आप वो बंदी जिसको आजाद है? एक आजाद बेवा हूँ। लेकिन शुरू के 2 साल सौंप के गुजारने होंगे। लैला ने इंतजार किया, दुआएं मांगी, दौलत से मालामाल बेवा के लिए हाथ मांगने वालों का तांता लग गया था। लेकिन क्या कैस उन बच्चों को उठाने हाथ से बाप को बैठा, उसे दोपहर में अंधेरा था, सूरज पर डरा पड़ रहा था, तेज तेराई हवाएं चीखों पुकार से उठा बचाए हुए थी। खौफ सदा लोग खटिया में दुआएं मांग रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि काफिल अपना सूर फूक रहा है और कयामत कभी ना हुई है। ऐसा तो उनका खतरनाक तूफान था, ऐसा लगता था कि आप ही उन्हें कब्जा जमा लिया। खौफ सदा लोग गिड़गिड़ाकर मनात के आगे दुआएं मांग रहे थे, तकदीर की देवी अब कैसे मदद करती, क्या कोई अलामत थी? खौफ सदा लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, क्या पत्थर कहीं दिलासा दे सकता है? चांद और सूरज से अलहदा अपनी अपनी राह, किसी दूसरे वक्त तक मुहम चीजों को मजीद मुहम कर देंगे। तो मोहब्बत करने वाले माने है जन्नत में 2 सितारे, अलग अलग और साथ साथ, अपने अपने मुकदा महूर पर, जैसा कि रोजे अव्वल में लिख दिया गया था। कोई हस्ती मुझसे मेरी लैला को जुदा नहीं कर सकती।
जा चली जा। इससे कबल वो सारे लफों के छोकरे तुझ पर पत्थर बरसाए। समझ नहीं पा रही हूँ या खुदा। जा बच्चा जा, जा यार। जाऊंगी तुझे नहीं जानता, मुझे मेरे हाल पर रहने दे। मेरे लाल मैं कितनी बदनसीब हूँ, उसकी लहरा उसके पास से फिर भी मुझे पहचानने से डर करता है। अल्लाह क्या मुझे मोहब्बत में इस कदर खो गया है कि मुझे भी नहीं पहचान पा रहा। हाँ उसका कहना है कि मैं उसके समाई हुई हूँ, फिर ये कैसे मुमकिन है कि इस बार भी के उससे जुदा जुदा। अल्लाह कहीं मोहब्बत की कोई दीवानगी है, मैं भी तो उसकी तरह पागल हूँ, फिर मुझे भी पागल होने। लेकिन मैं शायद नहीं। ऐ दो जहां के हुक्मरां, ऐ आसमानों में रहने वाले, मुझे बता कि क्यों मेरी आंखों से नींद गायब है, दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ सुनसान अजीमुल खाली बयापान में। हो सकते हो तुम, कैसे ऐसे बेरहम हो सकते हो, मुझे नहीं पहचान पा रहे हो।
मुझे उठा ले ताकि मैं तेरे पास पहुंच जाऊं, ताकि तेरे शामिल हो जाऊं। मेरे अल्लाह मुझे उठा ले ताकि मैं अपने कायस से भी मिल लूं। मेरे अल्लाह तेरी मदद कर। बगैर नींद की रातें और बगैर छांव के दिन आते हैं, और तीन दरियाओं वाले मुल्क का सुल्तान अपने दरबार में फरमान जारी करता है, लेकिन वो और नहीं नाश्ता। मैं तुम्हें शहद वाली रोटी खिलाऊंगा और खुशबूदार शरबत तुम पियोगे। मोर ने इकारत से ना कहा और बोला, मेरे दुम ही मेरा साथ है, इसीलिए मेरी परवरिश की जाती है, देखभाल की जाती है, तारीफ की जाती है। लेकिन भूखी लोमड़ी को न खूबसूरत परों की, फुसलाने वाले बांसुरी की लय की कोई परवाह। जब सुल्तान किसी बात पर नाराज होता है, रंजीदा होता है, तो उसके दस्तरखान की रोटी हूँ। और चांद निकलने पर मैं ना होऊंगा, हवा में होंगे मेरे तितर बितर बिखरे हुए पर। लेकिन वो भी कहा, सनोवर के दरख्त पर अपना घोंसला बनाया है।
अब बुलबुल का गाना कौन सुनेगा? मोरो होते सूरज के सामने मुरझाया गुलाब सिरने को आए, सुबह के वक्त पत्तियां पड़ी हुई होंगी, कुचली हुई रौंदी हुई, रात के झिलमिलाते सितारों के औंधे आसमान तले, अफसोस अब कौन गाएगा? कौन कहानी को बढ़ा चढ़ा कर कहेगा? कौन कहेगा नहीं नहीं मैंने तो उस तरह नहीं उस तरह सुना था। अब आशिक कहाँ जाएंगे? अब आशिक कहाँ जाएंगे? अपने गार के सामने जाल बुन देता सैयद के बेटे के मुकाबले में, अल्लाह क्या तेरी निगाह में अजीम हो जाता? कुछ भी बनाए हो जो पैदा ही नहीं हुआ, ना उसको गमों की फिक्र ना ही मौत का खौफ, एक बार से भी बारिश है रूह को तुम्हारे जिस्म से अलग कर देती है। तेरा फैज किस कदर बेशुमार है, मौत जिसका मुझे इंतजार है, और उस जबानी लुत्फ़ो करम से तेरी मुकद्दस ज़ात का जलवा मुमकिन हो सकेगा। तेरी ज़ात जो नस्ले इंसानी की आईनादार है, रिसाल के लिए सफर मैं कहां से लाऊं जो तुम मुझे देते ही नहीं। वाह है भद्दा, अपनी उसी मोहब्बत के वसीले से उसके अंदर की तारीकी खत्म हो गई। ये रोशनी मलकूती मुकद्दस नूर ही है जिससे कतई सच नुमाया होता है। मौत तो सिर्फ अल्लाह ताला से मिलने का रास्ता है। शामिल हो जाओ।
मंच पर आकर निदेशक को फूल और स्मृति चिन्ह प्रदान करें।